गोला प्रखंड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में झारखंड स्किल इंडिया के तहत कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 9 अलग अलग कंपनियों ने हिस्सा लिया। जहां 70 विद्यार्थियों का चयन किया गया, वहीं स्किल इंडिया के प्रबंधक के द्वारा सभी चयनित विद्यार्थियों व कंपनियों को बुके व मोमेंटो देकर बधाई दी गई। वहीं प्रबंधक ने कहा कि बेरोजगार युवा पीढ़ी स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन को बदल रहे हैं। कार्यक्रम झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र जो JIS फाउंडेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है, तो उसी के तहत आज बच्चे लोगों को बुलाया गया प्लेसमेंट ड्राइव में, जहाँ पे हमारे बच्चे लोग, पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं, सबको बुलाए हैं। जो बच्चे बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं और ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के उपरांत उनको नौकरी देने का जो प्रावधान है, उसी के अंतर्गत हमारे बच्चों को आज यहाँ पे बुलाया गया है और उसके बाद इनको इंटरव्यू सेशन होगा। लगभग 80 से 85 बच्चों को हम सिलेक्शन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा है, मेरे ख्याल से बच्चे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 80 से 85 बच्चे, बहुत बड़ा ये स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है। देखिए, जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के घर में बैठे हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, तो उसका आंसर है यहाँ पे स्किल जो सिखाते हैं हम लोग, वहाँ पे बच्चे के हाथ में हम लोग हुनर देते हैं, जिसी की मदद से बच्चे लोग अपने ज़िंदगी में डिफरेंट कंपनीज में काम करके अपना करियर शुरू करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के डेट में 30-35 हज़ार का भी सैलरी ड्रॉ करते हैं कंपनी से।